नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नौकरी तक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में, एक नई सरकारी नौकरी के बारे में जो कि निकल के आ रही है जल विभाग की तरफ से। एंड इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो विज्ञापन कहा जाता है, वो जारी कर दिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। एंड एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आप फीमेल हैं, महिला कैंडिडेट हैं या पुरुष हैं, तो दोनों एलिजिबल है, दोनों कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। एंड आफ्टर ज्वाइनिंग जो सैलरी मिलने वाला है आप लोगों को, एक बेसिक सैलरी जो है 20,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। अगर बात क्वालिफिकेशन की करें तो इसमें 10वीं और 12वीं कैंडिडेट्स को भी मौका मिलेगा, वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होने वाली है, तो जिसमें 10वीं और 12वीं के लिए भी पोस्ट है तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक भी कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग पोस्ट है। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप इसी तरह की नई नई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज का अपडेट अगर डेली बेसिस पे पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना डेली बेसिस पे नई नई जॉब्स की अपडेट पाने के लिए। एंड हमारा एक टेलीग्राम का चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी डेली बेसिस पे नई नई जॉब्स की जो है अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। तो गाइज, बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं आप लोगों को उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले जाना चाहूँगा जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया है, और उसमें स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है और कौन कौन एलिजिबल नहीं है। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हो। एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऑल इंडिया की जॉब है, कोई भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। एंड दोस्तों, अगर अभी तक एक लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट देख सकते हैं, भाखरा व्यास प्रबंधन बोर्ड जो है, ये चंडीगढ़ की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है ऑल इंडिया की जॉब्स है। एंड लास्ट डेट जो है आवेदन प्राप्त करने की डेट देख सकते हैं 30/12, 30 दिसंबर तक जो है आप लास्ट अप्लाई कर पाएंगे। एंड अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा www.bbmb.gov.in पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप जो अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। तो लास्ट डेट याद रखना है 30 दिसंबर होने वाला है। एंड पोस्ट के बारे में बता दूँ मैं, देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है डिपार्टमेंट जो है जल विभाग की तरफ से, जैसे जिसमें फायरमैन, सर्वेयर, टर्नर, सीवरमैन अलग अलग के लिए है। सपोज कीजिए अगर फायरमैन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो सैलरी यहाँ पे बताया गया है। एंड यहाँ पे एज क्राइटेरिया बताया गया है कि 18 से 30 वर्ष के बीच एज होनी चाहिए। एंड यहाँ पे सर्वायर के लिए भी है सेम है, 37 वर्ष होनी चाहिए, टर्नर के लिए भी होनी चाहिए। तो अलग अलग जो है कैटेगरी, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया मांगा गया है। यहाँ पर शिफ्ट अटेंडेंट, बोटमैन, OTA, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, मैरिन, टोटल 10 तरह की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन भी मांगा गया। आप देख लेना जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे वहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लेना। उसके बाद आरक्षण का भी बेनिफिट्स मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर आप भूतपूर्व सैनिक से संबंध रखते हैं तो वहाँ भी आपको मिलेगा। अब जो है हम बात कर लेते हैं फायरमैन की। अगर आप फायरमैन के लिए अप्लाई करते हैं तो मैट्रिक अथवा इंटर पास होनी चाहिए। एंड इसमें जो है जो डिप्लोमा भी आपका जो है इसमें मान्यता प्राप्त से भी एक बेसिक कोर्स जो होता है प्राथमिक फायर फाइटिंग का, वो बेसिक कोर्स होना चाहिए। हाइट आपकी सही होनी चाहिए, चेस्ट वेट सब सही होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। सर्वेयर के लिए अलग मांगा गया है 10वीं पास के लिए, जो है औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए। टर्नर के लिए अलग क्वालिफिकेशन, 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीवरमैन के लिए अलग है, बोटमैन के लिए, यानी अलग अलग क्वालिफिकेशन सबके लिए मांगा गया है। उसके बाद फार्मासिस्ट के लिए देख सकते हैं, फार्मासिस्ट में 10+2 होनी चाहिए। एंड फार्मेसी जो है फार्मेसी का एक डिप्लोमा होता है वो होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। महत्वपूर्ण डेट्स यहाँ पर बताया गया है, इस डेट्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हो आवेदन पत्र ऑनलाइन जो है पंजीकरण हेतु जो आरंभिक तिथि जो बता दिया गया 9 दिसंबर से स्टार्ट है। एंड लास्ट डेट जो है 30 दिसंबर बता दिया गया। एंड फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 1 जनवरी है। कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहाँ पे देख सकते हो, इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना। ऑनलाइन करते समय क्या क्या सावधानी है जिसके बारे में ध्यान रखना होता है। एंड ऑनलाइन आवेदन करने के लिए शुल्क कितना देना होगा, ऑनलाइन फीस कितना देना होगा उसके बारे में यहाँ बताया गया है। प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ 800 रुपये सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 400 रुपये SC ST के लिए, यानी दो तरह का फीस है। अगर आप सामान्य अति पिछड़ा हैं तो या OBC हैं तो आपको 800 रुपये, अगर SC ST है तो 400 रुपये देना होगा। विभागीय कर्मचारियों के लिए कुछ हिदायतें दी गई है, उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, इसको आप पढ़ लेना। इसमें क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो गाइज, ये इन्फॉर्मेशन था जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड ये जो सिलेक्शन जो होगा वो रिटर्न एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होने वाली है।
तो अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर इस पोस्ट से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब देता रहता हूँ। तो कोई भी डाउट्स हो जरूर पूछ सकते हो। एंड अगर पसंद आया हो तो इसको एक लाइक जरूर करना, अगर इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी हो तो कोई इशू नहीं, शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। एंड फिर किसी नई वीडियोज में मिलूंगा किसी नई गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी के साथ, नई अपडेट्स के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जाके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। एंड अगर इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल आज के टाइम, थैंक यू सो मच।